हाय फ्रेंड्स, जो हमने अपनी 5 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें क्या कहा गया है कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें फर्म प्राइज क्या होती है, प्राइज निर्धारक, इसका मतलब निर्धारक नहीं है, इसका मतलब क्या, प्राइज टेकर नहीं है परंतु कीमत ग्रहीता यानी कि प्राइज मेकर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइज टेकर होती है, पर प्राइज मेकर नहीं होती, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइज डिसाइड नहीं कर सकती। जो मार्केट में उसका प्राइज चल रहा है उसी पर उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो इसके पीछे जो रीजन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है कि जो फर्म है केवल प्रोडक्शन के लेवल का फैसला करने में रुचि रखती है। ये तो बिल्कुल हम 100% करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो रुचि तो रखती है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन उनको कितना सेल करना है, बट जो वो प्राइस डिसाइड करने में भी रुचि रख सकती है, उनका इंटरेस्ट उसमें भी होता है, बट क्या है, वो उनके हाथ में नहीं होती, वो उसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी अगर वो प्राइस में चेंज करती है तो हमारी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है। इट मीन्स क्या होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी एक्यूरेट है, बट जो रीज़न है वो उसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4th में दिया हुआ है आंसर हमारा वही हो जाएगा। उसके बाद है जो सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में यानी कि स्वतंत्र चर में यदि हम वृद्धि करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी वृद्धि होती है। इट मीन्स क्या कहा गया है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों में ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं कि दोनों में अगर इंक्रीज हो रहा है, डिपेंडेंट भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ डिपेंडेंट भी बढ़ रहा है, इट मीन्स जो हमारा रिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और इन 4 सिचुएशन दी हुई है, इनमें से एक में ही पॉजिटिव है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, 3 तो नेगेटिव है। इट मीन्स इन तीनों को तो हम करेक्ट वैसे भी नहीं मान सकते, क्योंकि रिलेशन गलत दे रखा है, और जो हमारा रिलेशन होगा वो पॉजिटिव में होगा और 0 to 1 होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टेलर की, जो टेलर ने क्या दिया था, एक मेथड दिया था डिफरेंशियल मेथड, उसमें उसने क्या कहा गया था, तो ये पूछा गया है। तो फर्स्ट में कहा गया कि सभी सभी जो इम्प्लॉयज मतलब काम कर रहे हैं उनको अलग परिणाम सौंपना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं तो सभी का लेवल क्या है, सेम डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद है सभी कामगारों को भिन्न समयावधि में रखना चाहिए, ये भी गलत बात है, यानी कि ये भी उसने नहीं कहा था। उसके बाद मानक से अधिक यानी कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, यदि उनसे अधिक काम करता है तो उसे ज्यादा किसके कंपैरिजन में, जो उससे कम काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशियल का नाम से इसे पता चल रहा है, डिफरेंशियल इट मीन्स जो इम्प्लॉयज हैं जो कम काम कर रहे हैं या जो ज्यादा काम कर रहे हैं, उन दोनों को डिफरेंस डिफरेंट क्या मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए। ये मेथड हमारा किसने दिया था, टेलर ने दिया था, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया कि मास्लो ने हमारी कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने नीड्स हायरार्की थ्योरी दी थी, उसने उसमें क्या सीरीज डिसाइड की थी, तो उसको क्या किया गया, किसने संशोधित किया, इसको संशोधित किया था क्लैंटन एल्डरफर ने, और क्लैंटन एल्डरफर ने ही क्या दिया था, ERG मॉडल डेवलप्ड किया था। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग जो रिसर्च प्रोसेस है, कौन सी अवस्था सर्वाधिक खर्चीली होती है, जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं हम तो उसमें सबसे ज्यादा जो खर्चीली होती है वो हमारे स्टेज डाटा कलेक्शन करना होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च होते हैं वो हमारे डाटा कलेक्शन करने में ही होते हैं। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हमारी 5 क्वेश्चन सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।